भी गौर किया है कि आपके सर पर बालों का एक चक्कर मौजूद होता है जो कि पानी के भंवर की तरह होता है। किसी के सर पर यह चक्कर एक होता है और किसी के सर पर यह चक्कर एक से ज्यादा होते हैं। कभी ये सामने की जानिब होता है तो कभी पीछे की जानिब और कभी ये साइड पर होता है, दाएं जानिब या बाएं जानिब। आज की वीडियो में हम सर पर मौजूद बालों के इसी भंवर पर बात करेंगे और आपको ये बताएंगे कि इल्म जाफर में इस चक्कर के बारे में क्या कहा जाता है और हमारे माशरे में इस चक्कर के बारे में क्या बातें मशहूर हैं। दोस्तों, हम आपको सर पर मौजूद भंवर के बारे में भी बताते हैं, लेकिन इससे पहले आपको बालों से जुड़े चंद दिलचस्प हकायक बताते हैं जो यकीनन आपके लिए दिलचस्प होने के साथ साथ हैरान कन भी होंगे। कहते हैं कि एक इंसान के सर पर औसतन 1,00,000 से 1,50,000 बाल होते हैं। एक रिसर्च के मुताबिक 50 अफराद पर की गई एक तहकीक के मुताबिक ये बात साबित हुई कि सर के एक स्क्वायर इंच हिस्से पर 800 से 1290 के दरमियान बाल होते हैं। आपको ये जानकर हैरत होगी कि सर पर बालों की तादाद बालों के रंग के हिसाब से होती है। सुनहरे बालों की तादाद सबसे ज्यादा यानी 1,50,000 तक, जबकि लाल बाल सबसे कम यानी 90,000 तक होते हैं। माहिरीन के मुताबिक हमारे बाल एक साल के दौरान 6 इंच तक लंबे हो सकते हैं यानी आधा इंच एक महीने में। कहते हैं कि मर्दों के बाल खवातीन के मुकाबले में ज्यादा तेजी से बढ़ते हैं। माहिरीन का ये भी कहना है कि आपके रोजाना 50 से 100 बाल गिरते हैं, लेकिन इसका इन्हेसार बालों की देखभाल पर होता है, वरना इससे भी ज्यादा गिर सकते हैं। कहते हैं कि बालों का रंग इंसान की मौरूसियत से होता है। दुनिया के 90% अफराद के बालों का रंग काला या भूरा होता है। माहिरीन के मुताबिक पानी आपके बालों की खुसूसियात को मुतासिर कर सकता है। गीले बालों के वजन में 18% तक इजाफा हो जाता है, जबकि ये 30% तक ज्यादा लंबे हो सकते हैं। कहते हैं कि जिस्म के बहुत कम हिस्से हैं जिन पर बाल नहीं होते, उनमें काबिले जिक्र हाथों की हथेलियां और पांव के तलवे हैं। याद रहे कि आपकी बढ़ती उम्र के साथ आपके बालों का रंग सफेद या सुरमई होने के इम्कान में इजाफा होता जाता है। बिलखुसूस 30 साल की उम्र के बाद एक दहाई में ये इम्कान 10 से 20% तक बढ़ जाता है। प्यारे दोस्तों, ये थे चंद दिलचस्प हकायक जो बालों से मुतालिक थे। इसके अलावा अगर बालों से जुड़ी कोई दिलचस्प हकीकत आपके इल्म में है तो कमेंट में हमारे साथ जरूर शेयर कीजिएगा। चलिए चलते हैं अपने असल मौजू की जानिब और आपको बताते हैं कि इल्म जाफर के मुताबिक सर पर मौजूद बालों के चक्कर या भंवर का क्या मतलब है। इस बारे में इल्म जाफर की आरा मुलाहिजा फरमाए। कहते हैं कि जिस इंसान के बालों का ये चक्कर सर के बीच में होता है, ऐसे इंसान जहीन, होशियार और बुरे से बुरे हालात को तब्दील करने का हुनर अपने वजूद में रखते हैं और असल में ये एक तराजू की मिसल होते हैं। उनकी जुबान उनकी ताकत होती है। और जिस इंसान के सर पर बालों का ये चक्कर सर के अगले हिस्से में होता है, ऐसे इंसान जज्बाती होते हैं, इमोशनल होते हैं और दिल से फैसला करने वाले होते हैं। वो अपने अक्सर फैसले मोहब्बत और रहम के बीच में करते हैं और बाज मर्तबा गुस्से में। ऐसे इंसान अगर अपनी जल्दबाजी पर काबू रखने का हुनर हासिल कर लें तो ये हर मैदान फतह कर सकते हैं। जिस इंसान में ये चक्कर आगे की जानिब दोनों तरफ होता है, ऐसे इंसान दो किस्म की शख्सियत के मालिक होते हैं। अचानक से कुछ होते हैं और अचानक से कुछ बन जाते हैं। ऐसे इंसानों के साथ रहना मुश्किल होता है क्योंकि इनकी तबीयत आम इंसान से तब्दील होती है। और जिस इंसान के सर के बालों के चक्कर दो होते हैं और सर के बीच में होते हैं, ऐसे इंसान दो कायनातों से जुड़े होते हैं। तभी इन पर इनामात ज्यादा होते हैं और इनकी छठी हिस बहुत तेज होती है। ये वक्त से पहले वक्त को बता सकते हैं और बाज मर्तबा ख्वाबों के जरिए या इल्हाम के जरिए इंसान को कोई ना कोई इशारा देते हैं और वो बात आने वाले वक्त में काफी हद तक सच बन जाती है। और जिस इंसान के सर में कोई चक्कर नहीं होता, ऐसा इंसान हमेशा अपनी खुशी को तरजीह देता है। उनके वजूद में अपने लिए जीने के औसाफ बढ़े हुए होते हैं। तभी ऐसे इंसान को एहतियात से परखने की जरूरत होती है। दोस्तों, आपने सर पर मौजूद बालों के भंवर के बारे में इल्म जाफर की आरा के बारे में जाना। चलिए अब बात करते हैं अपने माशरे की कि हमारे माशरे में इस बारे में क्या बातें मशहूर हैं। तो याद रहे
कि हमारे माशरे में औरतें अक्सर औकात बच्चों के सर पर ये चक्कर देखती हैं और बच्चों के सर पर मौजूद बालों के इस चक्कर या भंवर के बारे में मुख्तलिफ बातें भी मशहूर हैं। कुछ खवातीन सर के बालों के इन चक्करों से ये बताने की कोशिश करती हैं कि इस बच्चे के बाद जो बच्चा पैदा होगा वो लड़की होगी या फिर लड़का होगा, और इन खवातीन की ये बातें अक्सर औकात दुरुस्त भी हो जाती हैं क्योंकि ये बातें माशरे में वैसे नहीं जन्म लेती। इन बातों के पीछे काफी मुशाहिदात और तजर्बात होते हैं। याद रहे कि मुख्तलिफ माशरों में इस हवाले से मुख्तलिफ बातें पाई जाती हैं। आपके माशरे में अगर इस हवाले से यानी सर के बालों में मौजूद चक्कर के बारे में कोई खास बात मशहूर है तो आपने ये बात हमारे साथ कमेंट सेक्शन में लाजमी शेयर करनी है। दोस्तों, यहाँ आपको बालों के हवाले से कुछ गलत मफरूजों के बारे में बताते हैं जिन पर हम लोग आंखें बंद करके अमल तो करते हैं मगर हकीकत में ये गलत होते हैं, इनका हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं होता। नंबर एक, कुछ लोगों का मानना है कि चांद की शुरू की तारीखों में बाल कटवाने से बाल लंबे होते हैं और आम तौर पर बाल लंबे करने के शौकीन अफराद अक्सर बालों को थोड़ा थोड़ा चांद की शुरू की तारीखों में सिर्फ इसलिए कटवाते हैं कि बाल तेजी से बढ़ें, जबकि हकीकत यह है कि बालों की नमू जड़ों से होती है और सरों से इसको तरशवाने से उनकी सेहत पर कोई असर नहीं पड़ता। यहाँ तक कि गंजा होने से भी बाल अच्छे नहीं निकलते क्योंकि बालों की सेहत का राज उन जड़ों में होता है जो कि खोपड़ी में मौजूद होती है। इस वजह से बार बार बाल तरशवा कर खुद को गंजा मत करें। नंबर दो, कुछ लोगों का मानना है कि सफेद बाल तोड़ने से काले बाल जल्दी सफेद हो जाते हैं। आपने भी सुना होगा कि उम्र के साथ अगर इंसान का एक आध बाल सफेद होने लगे तो लोग कहते हैं कि इस बाल को तोड़ना नहीं चाहिए क्योंकि अगर इस बाल को तोड़ा जाए तो उसकी जगह पर दुगने काले बाल सफेद होना शुरू हो जाते हैं। तो जान ले कि हर बाल का रंग उस पिगमेंट की वजह से होता है जो इसमें मौजूद होता है और एक बाल के रंग का असर दूसरे पर नहीं पड़ता है। इस मफरूजे की भी कोई हकीकत नहीं है। नंबर तीन, अक्सर लोगों का मानना है कि बालों में खुश्की का हल तेल लगाना है। दोस्तों, बालों की खुश्की को देखकर हर कोई यही मशवरा देते हुए नजर आता है कि बालों में तेल लगाओ, और इस खुश्की का सबब खोपड़ी की खुश्की है जिसको तेल लगाने से दूर किया जा सकता है, जबकि हकीकत यह है कि बालों की खुश्की का सबब खोपड़ी की जिल्द का ज्यादा चिकना होना होता है जो कि तेल लगाने से मजीद भी बढ़ सकता है। नंबर चार, कुछ लोगों का मानना है कि बार बार कंघी करने से बाल सेहतमंद होते हैं और इसकी जड़ों को ज्यादा तवानाई मिलती है, मगर आपको बताते चलें कि ये बात हकीकत से खाली है क्योंकि बार बार कंघी करने से बाल न सिर्फ जल्दी मैले हो जाते हैं